सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। द फ्रंट पर मेरे साथ देखिए साधु जगबाव राणा। जरा याद कीजिए पहले के कौन से प्रधानमंत्री आपको याद आते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, कैनेडियन लीडर, इनसे इतनी अंतरंग तरीके से बात करता हो। कभी याद कीजिए किसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को पहले नाम से बुलाया हो, वो भी जनमंचों पे ओबामा कह बराक कह के, और ये कहा हो कि हम लोग बैठे गप्पे मारते रहते हैं। कब ऐसा हुआ है कि किसी ट्रंप को, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी हल्के से मजाक पे हाथ पे हाथ रखा हो और अमेरिकन राष्ट्रपति ने हाथ बढ़ाया हो, फिर उस हाथ पे थपकी दी हो, जो कि बहुत ही अंतरंग होता है। हो सकता है एक स्टेज पे जब मोदी ने ये शुरू किया था तो ये थिएट्रिक्स लगता था, लेकिन उसके टेंजिबल रिजल्ट्स आने लगे तब समझ में आया कि नहीं, मोदी एक पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप करते हैं और उसे फिर देश के हित में इस्तेमाल भी करते हैं। आप गौर कीजिए, बालाकोट में हमने किसी दूसरे देश में जाके बम गिराया और बम गिराया तो छिपाया नहीं, इसका ऐलान भी किया कि हाँ मैंने गिराया और उसके कोऑर्डिनेट्स और डिटेल्स भी दिए और यह भी बताया कि हमने कितने लोगों को मारा है, वो आतंकवादी थे। आपने दुनिया में एक भी तथाकथित शांति के अलंबरदारों से कोई विरोध सुना कि भारत ने यह गलत किया, ये शांति के लिए ठीक नहीं है? किसी अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, किसी ने कहा? 370 हमने हटाया जो कि लगता था कि छूने से बहुत कुछ हो जाएगा, क्या सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ काफी लोग हुए? एक आवाज नहीं उठी। बड़े मोबालिक छोड़िए, छोटे बड़े सभी देशों ने कहा कि नहीं भारत ठीक है, ये तो बायलेटरल इशू है, दोनों आपस में निपटें, इसका कोई इंटरनेशनल रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है। न तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बल्कि सबने भारत के सहायता की। वो क्या वजह थी कि 12 घंटे पहले जो अमेरिकन राष्ट्रपति लगातार मध्यस्थता की बात कह रहा था, वो अचानक एक मुलाकात होती है रात में और अगले दिन जब बैठता है तो सारी वो स्ट्रेटजी बदल देता है और कहता है नहीं ये तो बायलेटरल इशू है, ये दोनों आपस में निपटे और मुझे उम्मीद है कि भारत इसे निपटा लेगा। ये टेंजिबल रिजल्ट्स थे। ये खाली झप्पी देना और ये कंधे पे हाथ रखना या झूला झूलाना, ये नहीं है। ये जो केमिस्ट्री डेवलप हुई है, आप याद करिए, यही भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते थे तो वाशिंगटन पोस्ट में पेज नंबर 13 पे एक छोटी सी खबर होती थी, कभी कभी न्यूयॉर्क टाइम्स लेता भी नहीं था। आज टाइम मैगजीन, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क मोदी की पर्सनालिटी का जिक्र कर रहे हैं और मोदी के कवर स्टोरी बनाया जा रहा है, कवर पेज स्टोरी हो रही है वो। और ऐसा नहीं हुआ कि जीडीपी ये रातों रात बढ़ा है, जीडीपी 2014 में भी बढ़ा था, 13 में भी बढ़ा था, वॉल्यूम में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। अगर वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर था, 2.6 ट्रिलियन डॉलर, तो आप ये समझ सकते हैं कि आज वो करीब 3 ट्रिलियन डॉलर होने जा रहा है। इतना ही अंतर है, 2.6 से 3 ट्रिलियन डॉलर में कोई बड़ा भारी कयामत नहीं बरपा हुई है, बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई है, और उस समय के रुपी वैल्यू अलग थी। तो ऐसा नहीं कि जीडीपी वॉल्यूम आज हमारा बढ़ा है, 2.8883 ट्रिलियन डॉलर आज हुआ है, ये पहले भी बढ़ा था। लेकिन भारत का वो मकाम
जो आज हासिल है, और फिर ये वही भारत है जो अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 130वें नंबर पर है, 25 साल से 135 से 130 के बीच में चल रहा है। ये वही भारत है जहां सबसे ज्यादा गरीब बसते हैं, ये वही भारत है जहां के विकास के तमाम पैरामीटर्स पे अभी उसी तरह नीचे है और करा रहा है, लेकिन फिर भी आज वो अमेरिका के साथ बराबर पे कर रहा है और इसका हमें फायदा भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मोदी बैशिंग होती है, हमें एक निष्पक्ष अगर व्यू लें तो मोदी की पर्सनालिटी में कुछ खास है जो कि उन्हें अन्य नेताओं से अलग कर रहा है और ये भारत के हित में काफी कुछ बदल रहा है। अब जहां तक एक तरफ मोदी का ये व्यक्तित्व है, नई स्कीम्स दी मोदी ने, नई स्कीम्स देश में दे रहे हैं। ये जाहिर है कि एक देश में जहां सोशल हैबिट्स, जहां पे डायनेमिज्म कम है, एक यूरिया खाद का प्रयोग लाने में गवर्नमेंट को 2 दशक तक मशक्कत करनी पड़ी, लाठी लेके किसान खड़े हो जाते थे 2055 और 60 के बीच में कि हमारे यहाँ यह खेत बर्बाद कराएगा। ये उस समय जो ब्लॉक डेवलपमेंट के अधिकारी जाते थे, इसको 2 दशक लग गए कि लोग यूरिया यूज करें। अब जब यूरिया यूज करने लगे तो उसे छोड़ने को तैयार है, जब से जबकि खेती का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के कह रही है। तो ये एक देश की प्रॉब्लम है, ये डायनेमिक नहीं है, सोच के स्तर पे अपने को जल्दी चेंज नहीं करता है। तो ये एक मोदी के लिए दिक्कत हो या किसी भी सरकार के लिए है कि इस सोच को बदलने में टाइम लगता है। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, मोदी के प्रयास एक तरफ, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री भारत में विश्व नेताओं के साथ अलग बात है। इसका जो दूसरा पहलू है वो देखिए, कल कोई आपके पार्टी की एमपी प्रज्ञा ठाकुर, अचानक उनको इल्हाम आता है और वो कहती हैं ये जो हमारे बड़े बड़े नेता मर रहे हैं, शायद उनकी मुराद अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अभी दिवंगत हुए दोनों और बहुत ही कम अंतराल पे हुए, या इसके पहले अनंत कुमार हुए, गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर हुए, इन लोगों के इंतकाल के बाद उनका एक रिएक्शन कल आता है कि मुझे लगता है कि विपक्षी ये सब करा रहे हैं और उनके पास कोई मंत्र है, कोई मारक मंत्र है जिसका जाप करके ये इन लोगों को मार रहे हैं। ये भी खबर ट्रंप के पास जाएगी, शी जिनपिंग के पास जाएगी, जापान में जाएगी और वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स पे भी जाएगी। भारत क्या इतना मूढ़ है, और भारत का वो भी सांसद है और वो भी एक रूलिंग पार्टी का है। रूलिंग पार्टी के एक सांसद जब ये कहती है कि विपक्षी नेताओं के मारक मंत्र की वजह से हमारे नेता मर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी कितनी झप्पी देंगे, कितना कंधे पे हाथ रखेंगे, कितना ताली हाथ से हाथ मिलाएंगे। मेरे ख्याल से मोदी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है, ज़हनियत की है। पार्टी के कुछ लोग हैं जो हर तीसरे दिन बयान देके भारत का सर नीचा कर रहे हैं विदेश में। अब मुझे तो दूसरा डर है, कल कोई इनका मंत्री अचानक ये न कह उठे कि ये विपक्षी दल, ये विरोधी दल देशद्रोही हैं क्योंकि इनके पास मारक मंत्र भी है, लेकिन उससे ये हम लोगों के लोगों नेताओं को तो मार रहे हैं लेकिन हाफिज सईद को नहीं मार रहे हैं, ये किसी आतंकवादी को नहीं मार रहे हैं, किसी अजहर मसूद को नहीं मार रहे हैं, जबकि इनको देश के हित में मारक मंत्र का इस्तेमाल वहां करना चाहिए, लिहाजा ये देशद्रोही, इनको पाकिस्तान भेज दो। मुमकिन है कि ये किसी मंत्री का स्वर आए। समस्या सिर्फ यही है इस देश में कि मोदी के जो वो पॉजिटिव वर्क हैं जिससे कि दुनिया में भी हमारा प्रभाव बढ़ा है और उसका हमें देश के हित में इस्तेमाल भी हो रहा है, उस पर अगर सबसे ज्यादा पलीता कोई लगा रहा है तो मोदी के अपने लोग लगा रहे हैं। और मुझे लगता है
कि इससे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। शायद मोदी को जो प्रज्ञा ठाकुर को एक बार सख्ती से दिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगा, उनको वाकई माफ़ नहीं करना चाहिए। और ऐसे ऊल जलूल बयानों के बाद कम से कम इन्हें पार्टी में ना रखें, पार्टी को कम से कम एक रेशनल तो बनाएं। साइंटिफिक टेंपर डेवलप करना आपके भारत के संविधान में संशोधन के बाद यह आपके कर्तव्यों में आ गया है, हर नागरिक का कर्तव्य है। तो मोदी जी का भी कर्तव्य है कि किसी प्रज्ञा ठाकुर को बोके बोलने पे लगाम लगाएं। अगर वो ये बोलती हैं तो भारत में जितना आपने सर ऊंचा किया है मेरे ख्याल से उससे ज्यादा नीचे हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।